नमस्कार, डेली पीसीएस जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, हाल ही में किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? केपी शर्मा ओली, लाल कृष्ण आडवाणी, दलाई लामा या फिर उपर्युक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दलाई लामा। हाल ही में 14वें दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। उन्हें हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया। गौरतलब है कि उन्हें 1989 के नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, अतः विकल्प सी सही है। गांधी मंडेला पुरस्कार की बात करें तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देकर गांधी और मंडेला की विरासत को आगे बढ़ाने वाली हस्तियों को दिया जाता है। इनमें शामिल है शांति, समाज कल्याण, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, खेल और नवाचार। नई दिल्ली स्थित गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर इस पुरस्कार की स्थापना की गई। बता दें कि गांधी मंडेला फाउंडेशन नई दिल्ली स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने इसका जवाब कमेंट सेक्शन में सही भेजा था। जवाब भेजने के लिए शुक्रिया। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, मोबाइल चार्जर होता है एक यूपीएस, एक इन्वर्टर, एक ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर या फिर एक ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर। मोबाइल चार्जर एक ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर यानी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है, अतः विकल्प सी सही है। गौरतलब है कि एक ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को घटाने का काम करता है, जबकि एक ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। वहीं यूपीएस यानी अन इंटरप्टेबल पावर सप्लाई एक हार्डवेयर डिवाइस है। यह पावर आउटेज यानी कटौती की स्थिति में बैकअप सोर्स प्रदान करता है। इन्वर्टर डायरेक्ट करंट यानी डीसी को अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी में बदलने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, मुजरियान, खुद कास्ट और पाही कास्ट पदों का प्रयोग किया गया मुगल सेना में सैन्य अधिकारियों के लिए, मुगल सेना में सैन्य इकाइयों के लिए, मुगल दरबार के अधिकारियों के लिए या फिर किसानों के लिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, किसानों के लिए। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोतों में किसान के लिए सबसे अधिक प्रयोग होने वाला शब्द पद रैयत या मुजरियान था। इसके अतिरिक्त किसनोर या असामी का भी इस्तेमाल किया जाता था। 17वीं शताब्दी के स्रोतों से दो तरह के किसानों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, खुद काश्त और पाही काश्त। खुद काश्त वैसे किसान होते थे जो उसी गाँव में रहते थे जिसमें उनके खेत होते थे, जबकि पाही काश्त अनिवासी कृषक होते थे जो किसी अन्य गांव से संबंधित होते थे लेकिन संविदा पर किसी अन्य भूमि पर कृषि करते थे, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को न्यू गिनी द्वीप से अलग करती है बास जल संधि, टॉरेस जल संधि, कुक जल संधि या फिर मेसीना जल संधि? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टॉरेस जल संधि। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भारत और ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते की पुष्टि की है। ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप और सबसे बड़े देशों में से एक है। यह दक्षिणी गोलार्ध में प्रशांत और हिंद महासागरों के बीच स्थित है और इसकी राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया को द ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंट, द लास्ट ऑफ लैंड और द लास्ट फ्रंटियर कहा गया है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज का प्रथम प्रयास जेम्स कुक ने किया था। इसके उत्तर पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल सागर, उत्तर पश्चिम में तिमोर सागर तथा दक्षिण पूर्व में तस्मान सागर स्थित है। टॉरेस जल संधि इस महाद्वीप को न्यू गिनी द्वीप से अलग करती है व कोरल सागर को अराफुरा सागर से जोड़ती है, इसलिए विकल्प बी सही है। बास जल संधि ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमि को तस्मानिया द्वीप से अलग करती है एवं तस्मान सागर को ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट दक्षिणी सागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली में भारतीय तथा यूरोपीय दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं? इंडो सारसेनिक शैली, गाथिक शैली, नव गाथिक शैली या नियो क्लासिकल शैली? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंडो सारसेनिक शैली। इंडो सारसेनिक शैली में भारतीय तथा यूरोपीय दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं, अतः विकल्प ए सही है।
इंडो शब्द हिंदू का संक्षिप्त रूप था, जबकि सारसेन शब्द का प्रयोग यूरोप के लोग मुस्लिमों को संबोधित करने के लिए करते थे। यहाँ की मध्यकालीन इमारतों, गुंबदों, छतरियों, जालियों, मेहराबों से यह शैली काफी प्रभावित थी। सार्वजनिक वास्तुशिल्प में भारतीय शैलियों का समावेश करके अंग्रेज यह साबित करना चाहते थे कि वे यहाँ के वैध और स्वाभाविक शासक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का संचालन किया जाता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री कार्यालय। बीते दिनों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष सुर्खियों में रहा है। बात करें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यानी PMNRF की, तो इसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू की अपील पर जनता के अंशदान से जनवरी 1948 में पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की मदद करने के लिए की गई थी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का गठन संसद द्वारा नहीं किया गया है। धनराशि का इस्तेमाल अप्रमुखतया बाढ़, चक्रवात और भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं में एवं दंगों से पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए किया जाता है। हृदय शल्य चिकित्सा, गुर्दा प्रत्यारोपण, कैंसर आदि के उपचार के लिए भी इस कोष से सहायता दी जाती है। इसे कोई भी बजटीय सहायता नहीं मिलती है एवं कोष से धनराशि प्रधानमंत्री के अनुमोदन से वितरित की जाती है। इस कोष की निधि को आयकर अधिनियम के तहत एक ट्रस्ट के रूप में माना जाता है। इसका संचालन प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा किया जाता है, इसलिए विकल्प सी सही है। यह कोष व्यक्तियों, संगठनों, संस्थानों, ट्रस्ट तथा कंपनियों से स्वैच्छिक अनुदान या योगदान स्वीकार करता है। इस कोष को दिए गए सभी अनुदान या योगदान को आयकर की धारा 80G के तहत आयकर से छूट प्राप्त है। अगला प्रश्न है, कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने 600 मेगावाट कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किया। यह विद्युत मंत्रालय के अधीन मिनी रत्न विद्युत सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम निपको लिमिटेड द्वारा लागू की गई सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में 80 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में फैली हुई है, अतः विकल्प डी सही है। यह परियोजना वर्ष 2030 तक 30,000 मेगावाट की अनुमानित जल विद्युत क्षमता का एक हिस्सा है। इस परियोजना से अरुणाचल प्रदेश एक विद्युत सरप्लस राज्य बन जाएगा। इससे राष्ट्रीय ग्रिड को ग्रिड स्थिरता तथा ग्रिड में सौर और पवन ऊर्जा संसाधनों के एकीकरण और संतुलन के मामले में भी लाभ होगा। यह पेरिस समझौता 2015 के तहत भारत सरकार के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी NDC को पूरा करने की दिशा में प्रमुख कदम के तौर पर है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY की शुरुआत किस वर्ष की गई? 2014, 2015, 2016 या फिर 2017? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2015। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी, इसलिए विकल्प बी सही है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं: सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना, सटीक सिंचाई और अन्य जल बचत तकनीकों को अपनाने में वृद्धि करना और सिंचाई में निवेश के अभिसरण को प्राप्त करना। यह एक अम्ब्रेला योजना है। यह भूजल और प्रति बूंद अधिक फसल घटकों को छोड़कर 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों के साथ अनुमोदित की गई है: त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP, हर खेत को पानी यानी HKKP और वाटरशेड डेवलपमेंट। इस योजना का क्रियान्वयन कृषि मंत्रालय के साथ साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की किस कमान द्वारा थार रेगिस्तान में एक एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रु नाश आयोजित किया गया?
उत्तरी कमान, पश्चिमी कमान, दक्षिण पश्चिमी कमान या फिर दक्षिण पूर्वी कमान। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिमी कमान। भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा राजस्थान के थार रेगिस्तान में एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश आयोजित किया गया, इसलिए विकल्प सी सही है। इस एकीकृत सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना के साथ वायुसेना भी शामिल थी। इस अभ्यास में जमीनी और हवाई युद्धाभ्यास दोनों को शामिल करते हुए एकीकृत तरीके से बहुउद्देशीय फायरिंग प्लेटफॉर्मों का उपयोग किया गया। इसमें उभरती हुई चुनौतियों पर काबू पाने के लिए वास्तविक समय संचार और आम परिचालन तस्वीर साझा करने का अभ्यास किया गया। बता दें कि दक्षिण पश्चिमी कमान को 2005 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित टाइगर रिजर्व का सही क्रम है कॉर्बेट सिमलीपाल सरिस्का पेरियार, कॉर्बेट सरिस्का सिमलीपाल पेरियार, पेरियार सरिस्का सिमलीपाल कॉर्बेट या फिर पेरियार सिमलीपाल सरिस्का कॉर्बेट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कॉर्बेट सरिस्का सिमलीपाल पेरियर। भारत के भौगोलिक मानचित्र की दृष्टि से प्रश्न में दिए गए टाइगर रिजर्व का सही क्रम यानी उत्तर से दक्षिण है कॉर्बेट सरिस्का सिमलीपाल और पेरियार। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड राज्य में स्थित है, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा राज्य में स्थित है, तो वहीं पेरियार टाइगर रिजर्व केरल राज्य में स्थित है, अतः विकल्प बी सही है। अंतिम प्रश्न है, ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है फजेंडा, इस्टेट, फिंका या फिर स्टेंसियास। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फजेंडा। ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को फजेंडा कहा जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा कॉफी यानी कहवा उत्पादक देश है, इसके चलते ब्राजील को विश्व का कहवा पात्र भी कहा जाता है। यह कहवा के सबसे बड़े निर्यातक देशों में भी शामिल है। ब्राजील के सेंटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि कोलंबिया में कहवा के बागानों को फिंका कहा जाता है। आइए नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न, लचित बोरफुकन का संबंध निम्नलिखित में से किस युद्ध से है, मैसूर युद्ध, कलिंग का युद्ध, सराईघाट का युद्ध या फिर ताली कोटा का युद्ध। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।